अभी हम ईस्ट दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के ओखला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं। यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट होनी है, आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना है, भाजपा से गौतम गंभीर हैं क्रिकेटर, और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली हैं। अभी आतिशी अपने एरिया में ओखला विधानसभा में कैंपेनिंग कर रही है, एक रोड शो हो रहा है। हम जानना चाहेंगे उनसे, हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वो जनता के बीच जाके उनसे वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ आतिशी मारलेना है। आतिशी दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन पे एडवाइज़र रही हैं, अभी वो अपने एरिया में कैंपेनिंग के लिए निकली हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट? देखिए, इस बार दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा है, क्योंकि जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक दिल्ली वालों की समस्याएं नहीं सुलझेंगे। आप ट्रायंगुलर फाइट है इस दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गौतम गंभीर और अरविंदर सिंह लवली से आपका सामना है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, कांग्रेस तो तीसरे स्थान पर है ही, तो हर चुनाव में तीसरा स्थान उनके लिए रिजर्व रहता है, चाहे एमसीडी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। हमें लग रहा था कि गौतम गंभीर चुनौती होंगे, पर दो दो वोटर आईडी कार्ड होने के नाते उनका डिस्क्वालीफाई होना तो तय है, आज होंगे या कल होंगे, इसलिए कोई भी अपना वोट एक डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट को देके वेस्ट नहीं करना चाहेगा। आप कोर्ट गई हैं गौतम गंभीर के अगेंस्ट, कितना मेरिट है आपके पिटीशन में? गौतम गंभीर के दो दो वोटर आईडी कार्ड हैं, ये इस देश में एक इलीगल चीज है। अगर स्क्रूटिनी के दिन ये बात निकल आती तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हाथों हाथ हो जाता। आज डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन चुनाव का वोट पड़ जाएगा उसके अगले दिन वो निश्चित तौर से डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपके कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ सक्सेस मिली, कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके एमएलए से आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के? हमारे एक विधायक हमारे साथ खड़े हैं, हमारे एक पार्षद हमारे साथ खड़े हैं, और जो हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, आप पीछे देख लीजिए क्या जन सैलाब है, तो आपको भी इससे पता चल जाएगा कि क्या माहौल है। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हों और सवाल न किया जाए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आतिशी, आप ये बताएं कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी आपने फुल स्टेटहुड का डिमांड किया था, दिल्ली नो डाउट ज्यूरिसडिक्शन की बहुत प्रॉब्लम है, इस इलेक्शन में आपकी एक डिमांड फिर वही है, क्या लगता है आपको कि ये मेयर डिमांड तक रह जाएगा या इस पे कभी कोई काम हो पाएगा? आम आदमी पार्टी ने कोई बड़ा एजिटेशन नहीं किया इसको लेकर। देखिए, हमारा तो मानना है 2 महीने में मामला सुलझ जाएगा। इस बार ये स्पष्ट है कि मोदी की सरकार वापस नहीं आ रही है, बननी तो केंद्र में गठबंधन की सरकार है, और दिल्ली की 7 सीटें जो आम आदमी पार्टी के पास आएंगी वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। तो जब गठबंधन में पार्टियाँ जाती हैं वो कहती हैं हमें ये मंत्रालय दे दीजिए, वो मंत्रालय दे दीजिए। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक डिमांड करेगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जो बीजेपी की गैर बीजेपी सरकार देगी उसे आम आदमी पार्टी समर्थन देगी। तो अगर मुझे पूरा भरोसा है कि शायद 2 महीने के अंदर ही दिल्ली की ज्यूरिसडिक्शन की समस्या खत्म हो जाएगी। एक और सवाल, अलायंस नहीं हो पाया आपका कांग्रेस से, आखिरी तक निगोसिएशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आपको लगता नहीं ये एक चैलेंज बन के उभरेगा आपके सामने? एक्चुअली हम तो कभी भी सिर्फ दिल्ली में अलायंस चाहते भी नहीं थे, हम तो एक पैन नॉर्थ इंडिया अलायंस चाहते थे कि हम उत्तरी भारत की 33 सीटों से बीजेपी को हरा सकें। दिल्ली की 7 सीट पे तो आम आदमी पार्टी अकेले ही बीजेपी के लिए काफ़ी है। कि आप, हम अब आतिशी मारलेना से बात कर रहे हैं जो ईस्ट दिल्ली की कैंडिडेट हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जा रही हैं और वोट मांग रही हैं? देखिए, ईस्ट दिल्ली के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ईस्ट दिल्ली शायद पूरी दिल्ली में से एक पिछड़े हुए इलाकों में से आता है। ये एक ऐसा इलाका है जो शिक्षा की दृष्टि से पीछे रहा है, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कॉलेजेस की कमी है, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पुलिस द्वारा जो सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जानी चाहिए उसकी कमी है, यहाँ पे सस्ते घरों की कमी है। क्यों पूरा पूर्वी दिल्ली का इलाका कच्ची कॉलोनियों में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में रहता है? क्योंकि DDA ने जो धांधली की है पिछले 50 साल से, उसकी वजह से इस इलाके में रहने वाले लोगों को अफोर्डेबल दाम पे घर नहीं मिले। आपके कैंडिडेट्स आए थे तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज किया जाएगा, क्या कुछ कदम उठाया पार्टी ने अब तक? देखिए, इस दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने में सबसे बड़ी रुकावट मोदी सरकार रही है। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल एक दिन में दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को ऑथराइज कर दें।
जो हम आज कर सकते हैं वो हमने शुरुआत कर दी है। आज जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में 10,000 सड़कें बन रही हैं, जहाँ पे नालियाँ बन रही हैं, सीवर की लाइन डल रही है, पानी की पाइपलाइन डल रही है, पूरी दिल्ली कच्ची कॉलोनियों में रहती है। और इन कच्ची कॉलोनियों के बारे में अगर पहली बार किसी ने सोचा है तो आम आदमी पार्टी ने सोचा है, अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। आप दिल्ली गवर्नमेंट की एडवाइज़र रही हैं एजुकेशन पे, बेहतरीन एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, आप अगर जीतती हैं तो एजुकेशनली आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या प्रायोरिटी सेट किया आप? देखिए, सरकारी स्कूलों को तो हमने ठीक कर दिया है, इस बार पूरे इलाके को कॉलेज देने की ज़रूरत है।